नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगी ममता बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें, क्योंकि संवैधानिक संकट से बचने के लिए ममता बनर्जी के सारे दांव अब फेल साबित हुए हैं। जी हां, हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विधान परिषद को लेकर प्रस्ताव जरूर पारित कर लिया गया हो, लेकिन बिना केंद्र सरकार की अनुमति के ममता सरकार अपनी सत्ता को नहीं बचा पाएंगी। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी के लिए अब एक बार फिर से मुश्किल भरा दौर सामने आने वाला है, क्योंकि जो ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हवा में तीर मारती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तमाम तरह के जद्दोजहद और हथकंडे इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बताते चले कि आने वाले समय में ममता बनर्जी को इसे लेकर बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर हालांकि आज विधानसभा में विधान परिषद को लेकर प्रस्ताव जरूर पारित कर लिया गया हो, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर ममता बनर्जी अपनी सरकार बचाने में असमर्थ होंगे। जी हाँ, और ये बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दे कि आज विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में पश्चिम बंगाल विधान परिषद का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 196 सदस्यों के पक्ष में और 69 ने इसका विरोध किया है। हालांकि इसके बीच पश्चिम बंगाल परिषद का प्रस्ताव पारित जरूर कर लिया गया हो, लेकिन बिना संसद और वो भी राज्यसभा और लोकसभा की मंजूरी के ममता बनर्जी अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगी और ममता बंगाल विधान परिषद का गठन नहीं कर पाएंगी। जी हां, जिसको लेकर साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ममता बनर्जी बार बार तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी, किस तरीके से नंदीग्राम से करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा था और कैसे तमाम हिंसक घटनाएं होने के बाद भी ममता बनर्जी वहां से नहीं जीती थी, और यही बड़ी वजह थी कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अपना खुद स्वयं से इस्तीफा देने की बजाय आप देखिए किस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने में जुटी हुई है और एक बार फिर से अपने टीएमसी के गुंडों को विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि अब अपनी सरकार बचाने के लिए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने विधान परिषद के गठन करने का जो दांव खेला है, अब ये भी पूरी तरीके से विफल साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से जो कायदा कहता है कि ममता बनर्जी हालांकि विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित जरूर कर चुकी हो, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इस तरीके से विधान परिषद का गठन नहीं कर पाएंगी, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ठीक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरह ही ममता बनर्जी पर भी संवैधानिक संकट मंडरा रहा है। जी हां, आपको बता दे जिस तरीके से उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तीरथ सिंह रावत, उन्हें भी 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी थी, लेकिन उत्तराखंड में उपचुनाव न होने के चलते तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा, और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब बंगाल में भी जिस तरीके से लगातार कोरोना हाहाकार मचा रहा है, उपचुनाव होने को लेकर कोई भी फिलहाल स्थिति संभवतः नहीं दिखाई पड़ रही, जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हालांकि भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी ने खाली जरूर करा दिया हो, लेकिन फिलहाल वर्तमान में उनके सिर पर भी राजनीतिक संकट या यूं कहा जाए संवैधानिक संकट मंडरा रहा है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अब एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए विधान परिषद का गठन करने में लगी हुई हैं, ताकि किसी तरीके से ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा पाए। लेकिन आपको बता दे कि ममता बनर्जी का इस तरीके से जोर लगाना सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर मारने जैसा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच तनातनी की खबरें सामने आई थी, कैसे ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों का अपमान किया था और कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े बीजेपी नेताओं पर अपनी राजनीतिक खींच निकाली थी, और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार इसको मंजूरी ना दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार से लेकर गृह मंत्रालय की टीम ममता बनर्जी से बार बार बंगाल की हिंसा को लेकर आग्रह करे हुए हैं कि ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते बंगाल की हिंसा पर कंट्रोल करने का काम करें, लेकिन ममता बनर्जी
सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी पर उनकी सत्ता जाने का डर सता रहा है उनको, जब उन्हें ये लग रहा है कि अब उनकी कुर्सी छीनने वाली है, हालांकि लगातार इसके पहले भी कई बार ममता बनर्जी पर तमाम आरोप लग चुके हैं, राज्यपाल से लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक और राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेता तक ममता बनर्जी की निंदा कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी इस पर जवाबदेही करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कभी हाई कोर्ट से लड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से लड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो कभी अपने ही प्रतिद्वंदी नेता शुभेंदु अधिकारी पर तमाम तरह की राजनीति खींच निकालती हुई दिखाई पड़ती है। और भारतीय संविधान 164(4)(a) के तहत अगर देखा बात की जाए तो अगर 6 महीने के अंदर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री अगर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है तो कि उस पद की वैधता खत्म हो जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री अगर 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाती हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी से त्याग देना होगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से पिछले 5 दशकों से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में 5 दशक पहले विधान परिषद हुआ करती थी लेकिन बाद में इसे खत्म किया गया था, और आजादी के बाद आपको बता दें कि 5 जून 1952 को बंगाल में 51 सदस्यों वाली विधान परिषद का हालांकि गठन जरूर किया गया था लेकिन बाद में 21 मार्च 1969 को इसे खत्म किया गया था, लेकिन 2011 में हालांकि ममता बनर्जी को यह मालूम होगा कि उनके ऊपर किसी भी वक्त राजनीतिक संकट मंडरा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के हालात बंगाल में बने हुए हैं इन तमाम मुद्दों को देखते हुए हो सकता है कि शायद ममता बनर्जी ने वादा लोगों से किया था कि सत्ता में आते ही वो विधान परिषद के गठन का वादा पूरा करेंगी, और अब जब ये वक्त बंगाल में है वर्तमान में कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है और संवैधानिक कारणों के चलते, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको भी तमाम रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे असंवैधानिक होने के कारण उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी इस्तीफा देना पड़ा था, और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी घबराती हुई दिखाई पड़ रही हैं, बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है, उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो अब अपनी सरकार बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो चुकी हैं, और संवैधानिक तरीके से फिर चाहे वो हिंसा का कोई रास्ता हो, फिर चाहे वो कोई भी अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता हो, तमाम रास्तों को इस्तेमाल करने की कोशिश ममता बनर्जी हालांकि कर रही है, लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी तमाम तरह की बयानबाजी कभी केंद्र सरकार पर तो कभी तमाम बीजेपी नेताओं पर अपनी खींच निकालते हुए दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की बंगाल में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बंगाल में तानाशाह रवैया अख्तियार करते हुए दिखाई पड़ रही हम सबके सामने है, कैसे बंगाल में अब खेला होमे दिवस को मनाया जाएगा ये हम सबके सामने है, और कैसे अब किस तरीके से अवैध तरीके से टीएमसी के गुंडों को जो बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से पिछले कई सालों से अपनी नागरिकता को छुपाकर बंगाल में रह रहे हैं, उन्हें कैसे विधान परिषद में एंट्री की कोशिश पुरजोर ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आपको बताते चले कि असंवैधानिक तरीके से ममता बनर्जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज होकर बैठी हुई हैं, अब गिनती के दिन उनके पास बचे हुए हैं, अब उन्हें बंगाल में अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना होगा, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी चुनाव के पहले से, चुनाव के दौरान से और चुनाव के बाद से लगातार बंगाल में हिंसा का तांडव मचाए हुई है, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल के जो वर्तमान हालात हैं इसको देखते हुए, हालांकि इसके पहले भी ममता बनर्जी की कुर्सी पर कई बार संकट मंडरा चुका है, क्योंकि लगातार कई बुद्धिजीवियों से लेकर तमाम लोगों की मांगे ममता सरकार के खिलाफ उठ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में लगातार जो कश्मीर पार्ट टू बनाकर रखा हुआ है हम सबके सामने है, कैसे मासूमियों के साथ बलात्कार किया गया हम सबके सामने है, और कैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को चुन चुनकर दलित समाज के लोगों को चुन चुनकर पीटा जा रहा है वो भी हम सबके सामने, लेकिन अब आपको बताते चले कि जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कभी केंद्र सरकार पर अपने आरोप मरते हुए दिखाई पड़ती हैं, कभी बंगाल के राज्यपाल धनखड़ पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ती हैं, कभी कलकत्ता हाईकोर्ट से तमाम तरह की तनातनी की करते हुए दिखाई पड़ती, लेकिन अब आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का अंत निश्चित है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार
ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं और हर तरीके से जद्दोजहद करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।